नमस्ते चिल्ड्रन, कल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सभी शब्द भेदों और उपभेदों को कॉपी में लिखकर उनको याद करना है। तो देखो, यहाँ मैंने कुछ लिखा है। पद परिचय के लिए आवश्यक रूप से जानने योग्य बातें, शब्द भेद और उनके भी भेद। सबसे पहले, जैसे आप लोग जानते हो, पढ़ते ही आए हो हमेशा, संज्ञा। संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। आपको इन लोगों को अलग अलग पहचानना भी है। सर्वनाम, सर्वनाम के 6 भेद। पुरुषवाचक, उसमें 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक। पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंध वाचक और छठवां निजवाचक। उसके बाद विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। क्रिया, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में एक कर्मक और द्विकर्मक। क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जो और 3 शब्द भेद हैं। इनके कोई भी भेद ऐसे नहीं हैं और पद परिचय में आपको उनके बारे में विशेष जानने का भी कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो अंडरलाइन करके आते हैं और आपको बताना होता है कि ये कौन सा शब्द भेद है। और डेफिनेटली अविकारी शब्द हैं तो वो लिखना है, अविकारी शब्द संबंध बोधक, अविकारी शब्द समुच्चय बोधक, ऐसा। उसके बाद आप लोग को और पद परिचय के लिए जानना है, वो है काल। काल के 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। उसके बाद वाच्य, वाच्य अभी आप लोग क्लास 10 में ही पढ़े हो इससे पहले, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसके बाद आपको सारे कारक जानने होंगे। कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। ठीक है, ये 8 कारक। लिंग आप लोग जानते ही, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन और बहुवचन, हिंदी में 2 ही वचन होते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे ही चीज़ें ये आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हो, इसलिए मैं इसका डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। फिर भी यदि किसी को भी कुछ भी समझ में ना आए तो वो व्हाट्सएप के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू पूछ सकता है। इसके बाद अब पद परिचय जब करते हैं तो उस समय किस तरह करते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है पद परिचय की। जो शब्द अंडरलाइन किया हुआ रहता है उसके उसका शब्द भेद हम लोग सबसे पहले पता करते हैं कि वो कौन से शब्द भेद के अंतर्गत आता है। सपोज वो संज्ञा है, ठीक, राम एक अच्छा लड़का है। अब राम को अंडरलाइन किया है, संज्ञा है। उसके बाद हम संज्ञा के कौन से भेद में आता है तो उसका हम भेद पता करेंगे। उसके बाद उसका लिंग पता करेंगे, जैसे राम पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, वचन एक वचन है और कारक क्या है, चूँकि राम है क्रिया का कर्ता है, कर्ता कारक। फिर उसके बाद है सर्वनाम। यदि सर्वनाम शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, वह एक अच्छा लड़का है तो वह को मान लो अंडरलाइन किया है तो वह के बारे में पता करेंगे। वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन। फिर यदि कोई शब्द विशेषण है, ठीक है,
विशेषण में भी उसी प्रक्रिया में हम जाएंगे। विशेषण में कौन से विशेषण के अंतर्गत आता है वो, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, और विशेषण में जो हम लोग मेन पता करते हैं वो है उसका विशेष्य। वो विशेषण शब्द किस की विशेषता बता रहा है ये हमें जरूर लिखना होता है विशेषण में। उसके बाद क्रिया, क्रिया का भेद पता करेंगे, अकर्मक है या सकर्मक है। फिर क्रिया करते समय यदि शब्द क्रिया को अंडरलाइन, क्रिया पद को अंडरलाइन किया हुआ है तो उसमें हम पहले भेद में जाएंगे अकर्मक है या सकर्मक। उसके बाद हम उसका क्रिया का काल, वाच्य, उसका लिंग, वचन, वो बाद में, क्रिया का यदि काल और वाच्य बताओ तो ज़्यादा अच्छा होगा, होता है। और उसका आप लोग धातु रूप भी बता सकते हो। धातु रूप मीन्स क्रिया का मूल रूप, जैसे टहलना शब्द है तो टहलना का मूल रूप क्या होगा, टहल। जाना है तो जाना का मूल रूप या धातु रूप क्या होगा, जा। इसी तरह से लिख, पढ़, चल, ये सब धातु रूप क्रिया के कहलाते हैं जो मूल रूप हैं। उसके बाद यदि शब्द क्रिया विशेषण है तो चूँकि क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है उसमें कोई उसका लिंग वचन नहीं हो सकता, इसलिए क्रिया विशेषण में हम लोग सिर्फ लिख देते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। और वो कौन सा उसके भेद में आता है, रीतिवाचक है या कालवाचक है, जो भी है उसके उस क्रिया की हम लोग उस क्रिया विशेषण का नाम और कौन से क्रिया की वो विशेषता बता रहा है उस क्रिया को भी उल्लेख करते हैं। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि उसमें हम लोग सिर्फ अव्यय लिख देते हैं और जो भी अव्यय जो भी रहता है वो समुच्चय बोधक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय ऐसा ही लिखकर छोड़ देते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के लिए हम उसके लिए भाव सूचक शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हर्ष सूचक शब्द या शोक सूचक शब्द, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने नीचे यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं। उन्होंने महान विभूतियों का उन्होंने महान विद्वानों का आदर किया। अब सपोज इस वाक्य में यदि महान शब्द पहले हम देख रहे हैं, इस वाक्य में यदि उन्होंने शब्द को अंडरलाइन किया होगा तो उसका हम पद परिचय कैसे करेंगे। अब उन्होंने क्या है हम ये पता करेंगे, उन्होंने सर्वनाम है। अब देखो मैंने आपको बताया ऊपर, सर्वनाम यदि हो तो हम लोग क्या क्या पता करते हैं। सर्वनाम, उन्होंने पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, किसी थर्ड पर्सन के लिए बात हो रही है, सो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। पुल्लिंग, पुल्लिंग ठीक है क्योंकि लेकिन उन्होंने में पुल्लिंग भी ठीक है, और यदि बहुत सारे लोग हैं तो स्त्रीलिंग भी उनमें हो सकता है, तो खैर पुल्लिंग ठीक है। उसके बाद चूँकि बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन, और आदर की क्रिया, आदर किया क्रिया का कर्ता भी है, ठीक है। सपोज महान शब्द का पद परिचय करने के लिए आता है तो महान क्या है, किसी की विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, विद्वानों की, विद्वान कैसे हैं, महान से विशेषण, कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण हो गया। अब विशेषण में और देखो आपको क्या पता करना है, विशेषण में उसका लिंग पता करना है। सो विद्वान है डेफिनेटली पुल्लिंग, विद्वानों बहुत सारे हैं सो बहुवचन,
अब विद्वान शब्द, ये महान शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? विद्वानों की। सो विद्वान विशेषिका विशेषण। सो महान शब्द का ये क्या होगा पद परिचय? गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन और विद्वान विशेष्य का विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, मैं धीरे धीरे टहलता हूँ। यदि मैं शब्द का ये आ गया करने के लिए पद परिचय, मैं क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद सर्वनाम में आप देखिए क्या बताना है, भेद हो गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, लिंग टहलता हूँ सो पुल्लिंग, वचन एक वचन मैं अकेला हूँ इसलिए, और कारक क्रिया का टहलना क्रिया का कारक, क्योंकि काम करने वाला मैं ही है इसलिए। समझ में आया? सो इस तरह से आपको ये पद परिचय करना होता है। स्टूडेंट्स, इसमें आपको जो भी समझ में नहीं आया हो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज दूंगी, सो आपको वो लोग वो एक्सरसाइज अपनी अपनी कॉपी में करनी होगी। नमो शिवाय।